ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, अगर ईपीएफ में आपका पासवर्ड भूल गए हैं आप और आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी गुम हो गया है, क्योंकि मोबाइल नंबर का यूज़ करके आप पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मोबाइल नंबर जो ईपीएफ में रजिस्टर्ड है आपके पीएफ अकाउंट में वो भी खो गया है और आपको आपका पासवर्ड पता नहीं है, तो आप बिना मोबाइल नंबर के ईपीएफ का पासवर्ड अपना बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपका ईपीएफ अकाउंट में पासवर्ड आपको भूल गया है और आपका मोबाइल नंबर जो ईपीएफ में लिंक है वो भी आपके पास नहीं है, तो आप आधार कार्ड का यूज़ करके कैसे अपना पीएफ पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कर लीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेब पेज पर आ जाएंगे। ये ईपीएफ ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेब पेज है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, यूएएन और पासवर्ड। इसके बाद यहाँ पर आप अगर आपका यूएएन नंबर और पासवर्ड आपको पता है तो आप डायरेक्ट डाल के और कैप्चा फिल करके लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना पीएफ का पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको फॉरगॉट पासवर्ड का, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको अपना यूएएन नंबर फिल करना है और कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज ये ओपन होगा, यहाँ पर ऊपर आपका यूएएन नंबर होगा और नीचे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शो होगा। जहाँ पर आपका यूएएन नंबर मोबाइल नंबर से लिंक है वो नंबर आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यस और नो का। अगर आपका ये मोबाइल नंबर जो यूएएन से लिंक है आपके पास है तो आप यस करके डायरेक्ट अपने पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास ये नंबर नहीं है तब आपको नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको अपना नेम एज पर आधार कार्ड फिल करना है। जैसा कि आपके आधार कार्ड में जो भी आपका नेम आपका डेटा हो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, अपना जेंडर चूज़ करना है और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज आपके सामने ये ओपन होगा, अब यहाँ पर आपकी डिटेल वेरीफाई की जाएंगी। जो आपने यूएएन नंबर डाला है और आपने जो नेम डाला है, जो डेट ऑफ बर्थ डाली है, जो जेंडर चूज़ किया है, अगर वो आपके यूएएन से मैच करेगा तो नेक्स्ट आपके सामने ये ऑप्शन इनेबल होगा वैलिडेट अगेंस्ट का। तो यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है और अपना आधार नंबर फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा वेरीफाई, तो आपको वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है। आधार नंबर वेरीफाई होने के बाद एक मैसेज शो होगा ग्रीन टिक के साथ, डिटेल्स वेरीफाइड, और एक न्यू ऑप्शन ओपन होगा एंटर न्यू मोबाइल नंबर। तो आपको यहां पर अपना आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या नया मोबाइल नंबर जो आपके पास है वो आपको फिल करना है। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जो भी ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है उस ओटीपी को आपको यहां पर फिल करना है। इसके बाद वेरीफाई, ओटीपी वेरीफाइड होने के बाद ओटीपी वेरीफाइड वैलिडेटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज शो होगा ग्रीन टिक के साथ। इसके नीचे दो ऑप्शन इनेबल किए जाएंगे, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। तो यहाँ पर आप अपना जो भी नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो आप बनाएंगे। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड पे अगेन आपको पासवर्ड फिल करना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपका पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट या चेंज हो चुका है, जिसका मैसेज आपके सामने ये शो होगा, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करके आप अपना लॉगिन कर सकते हैं सेम यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ। सो गाइस, ये थी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।